सीधी जिले की भारतीय जनता पार्टी की सीधी प्रत्याशी रीति पाठक ने भारी बहुमत से विजय की हासिल। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में दिखा उत्साह। मामला सीधी जिले के सीधी विधानसभा का है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से संसद होते हुए भी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर सीधी विधानसभा का टिकट मिलने पर वो चुनाव मैदान पर उतरी थी, जहाँ पर आज 3 दिसंबर को भारी मतों से 35,000 मतों से बीच जीत हासिल कर सीधी के धुंधरों को हराकर पराजित किया है। हम आपको बता दें, जहां पर लगातार 25 वर्षों से सीधी के विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला को भी भारी बहुमत से हराकर पराजित किया है। वहीं पर सीधी के ज्ञान सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको भी भारी बहुमत से हराकर पराजित किया है, जहां पर उनके जीत की खुशी में काफ़ी हुजूम लाडली बहनों एवं पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का देखा गया है। चलती हुई हुजूम में देख सकते हैं कि लगातार नाइट में भी पूरी देर रात तक हुजूम चलता रहा है, जहां पर रिद्धि पाठक कुछ कॉलेज ग्राउंड सीधी में पहुंचकर अपने लाडली बहना एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। और उन्होंने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के चलते लगातार मैं 2 बार से संसद हूँ और हमें विधानसभा मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ने के नेतृत्व में खड़ा किया गया, जहां पर आज देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज मैं विधायक बन चुकी हैं और कई हजारों की संख्या में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्या कहा मीडिया से सुने। प्रदेश की जितनी भी सीटें आई, ये उस नीति का सोच का परिणाम, और उनमें से एक सीधी जिले की और सिंगरौली जिले की और बिंद की रेखा जीत का मुख्य श्रेय किसे देना चाहिए? निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र और उनके विकास पर। लाडली बहना का कितना असर रहा? आपने देखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरह से लाडली बहना योजना को बनाकर न सिर्फ आम बहन को मजबूत किया है, बल्कि उसके आत्मबल को बढ़ाया है, बल्कि उसको भावनात्मक रूप से जोड़ा है। और उन्होंने बताया है कि राजनीति सिर्फ राजनीति नहीं है, राजनीतिक संबंधों को परिपक्व करने का एक माध्यम है, और लाडली बहना इसका बहुत मजबूती से उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाडली बहनों को भी बार बार इसी नीति के आधार पर संबोधित किया है, और वो जानते हैं कि आज नारी शक्ति का जितना बड़ा प्रभाव इस चुनाव में मिला है, निश्चित रूप से इस योजना का बेहतरीन परिणाम हमको देखने।